जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि भाई अभी ये जो इसका पपी हुआ है कितनी मुश्किल से हुआ है, एक ही पपी हुआ है। बस कमेंट करते जाओ किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, बस कमेंट में बताते हो कि भाई मेरी फीमेल इतनी हो गई है, उतनी हो गई है। भाई वैसे कमेंट मत किया करो यार, जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उसी वीडियो के नीचे कमेंट करो। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो गाइज थोड़ा सा कैसा लग रहा है भाई, बहुत ही ज्यादा दाढ़ी बढ़ गई है, मूछें भी बढ़ गई है, वैसे तो मैंने कट कर लिए भाई, और बाल भी बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं, कट करने पड़ेंगे यार। ऐसा लग रहा होगा कमेंट करके सर को बताना यार, थोड़ा सा मतलब कि क्लीन करना चाहिए या फिर ऐसे ही रही तो कमेंट करके बताओ। तो गाइज आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट मतलब क्या है भाई, बहुत लोगों के ऐसे क्वेश्चन होंगे ऐसा मुझे लगा भाई पर्सनली, क्योंकि तो एक भाई का मुझे मैसेज आता है। सबसे पहले वो मैसेज बता देता हूँ आपको मैं। तो मैसेज में बोला था भाई ने कि भाई की जो फीमेल है, बेसिकली भाई के पास जो है एक पोमेरियन की फीमेल थी, तो उस भाई को ना फीमेल की मीटिंग करानी। यार ये क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा हूँ जरा बताना यार। तो बेसिकली भाई के पास जो है एक पोमेरियन की फीमेल थी और भाई को ना उसकी मीटिंग करानी थी, तो उसी के रिलेटेड एक सवाल था भाई का। उसकी जो फीमेल है अभी उसकी एज जो है 8 या 9 ईयर्स के आसपास हो गई है, और जो पोमेरियन की फीमेल है वो तो छोटी ब्रीड में आती है, तो उसकी समझ नहीं आ रहा था भाई को उसकी मीटिंग कराए या फिर नहीं, क्योंकि भाई ने इससे पहले उसकी एक बार भी मीटिंग नहीं कराई थी, उसका फर्स्ट टाइम ही था मीटिंग कराने का। और फिर डायरेक्ट उसने भाई 8 साल के बाद ही सोचा कि भाई अभी मीटिंग कराने हैं, कराए नहीं। तो भाई का यही क्वेश्चन था कि भाई मैं मीटिंग करा सकता हूँ या नहीं अभी, क्योंकि उसको 8 ईयर्स हो गए हैं। तो आपके भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, क्योंकि आपकी भी फीमेल शायद किसी की 2 साल की होगी, किसी की 4, किसी की 5, किसी की 10 साल की, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपके भी मन में। तो सोचा कि मैंने इसे रिलेटेड एक वीडियो बना देता हूँ और आपको बता देता हूँ भाई कि आप मीटिंग करा सकते हो या फिर नहीं। तो भाई लोग ये बात समझ लो कि जो डॉग होते हैं ना भाई, तो बेसिकली डॉग्स की जो एज होती है ना वो 10 से 15 ईयर्स के आसपास होती है भाई। एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं है, लेकिन 10 ईयर्स से 15 ईयर्स के आसपास किसी भी डॉग की एज होती है, यही तक वो डॉग जो है जिंदा रह पाते हैं। तो किसी के डॉग जल्दी मर जाते हैं, किसी की 10-15 साल में भी मर जाते हैं भाई। तो हर किसी के डाइट के हिसाब से है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि भाई अपनी जो बॉलीवुड इंडस्ट्री होगी या हॉलीवुड कोई भी मतलब फिल्म इंडस्ट्री होगी, उसमें जो बड़े बड़े सुपरस्टार होते हैं भाई, कोई कोई 70-80 साल में भी जवान दिखता है भाई। जैसे अपना सलमान खान हो, अनिल कपूर हो, देखा होगा आपने कि भाई अभी वो 60-65 साल के बुड्ढे हैं, लेकिन फिर भी वो कैसे जवान दिखते हैं। वही नुस्खा जो है अपने डॉग्स में भी काम आता है, जो भी पेट्स में भी काम आता है, मतलब अपने सुपरस्टार है वो, जैसे अच्छी डाइट लेते हैं, अच्छे अच्छे फूड खाते हैं, फल खाते हैं, तो उसी की वजह से ना उनकी जो सेहत है और उनकी जो खूबसूरती है वो अभी भी जवान की जैसी दिखाई देती है, मतलब जवानी बरकरार रहती है। तो वैसे ही डॉग्स में भी होता है गाइस कि आप अगर अच्छी डाइट देते रहोगे तो आपके जो डॉग्स है वो अच्छे दिखाई देंगे, 10 साल के भी हो जाए तो या 15 साल के भी। और किसी किसी के डॉग्स जो होते हैं ना गाइस, वो 7-8 साल में ही ना इतने बुरे दिखने चालू हो जाते हैं गाइस, मतलब कि पूरे बूढ़े हो चुके होते हैं, कलर डल हो चुका होता है बालों का, और मरने की हालत में चले जाते हैं। तो ऐसे कुछ सिम्टम दिखाई देते भाई, तो सारा डाइट के हिसाब से ही ये होता है। तो बेसिकली अपना जो क्वेश्चन और आंसर था ना गाइस, कि हम मीटिंग करा सकते हैं या नहीं, बता देता हूँ कि भाई मीटिंग आप करा सकते हो, चाहे वो 10 साल की फीमेल हो या फिर 5 साल की हो, मतलब ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 8-10 साल के बीच में ही होनी चाहिए, तब आप उसकी मीटिंग करा सकते हैं। लेकिन उसके जो चांसेस है ना गाइस पपीज होने के, जितनी ज़्यादा एज होगी ना फीमेल की, 10 साल, 8 साल, 15 साल, तो उसी के हिसाब से ना वो पपीज देगी या नहीं देगी वो कन्फर्म होता है गाइस उसी के ऊपर। अगर आपकी फीमेल 2 साल की होगी, 3 साल की होगी, इसका मतलब ये है कि भाई अभी उसकी जो है जवानी के दिन है उसके। अभी एक जो फीमेल होती है वो 1 साल के ऊपर जब हो जाती है तो वो जवान होना चालू हो जाती है, मतलब कि इसकी माँ का भोला चेहरा कौन है, तो भाई कहा था भाई। तो एक फीमेल जो है ना गाइस 2 साल 1 साल के ऊपर जब हो जाती है ना गाइस, तो वो जवान होना चालू हो जाती है, जैसे कि स्टड देखा होगा
कोई भी स्टड। जब वो एक डेढ़ साल का हो जाता है वो अडल्ट हो जाता है, कोई भी फीमेल भी हो तो वो एक साल के ऊपर की हो जाती है तो वो अडल्ट होना चालू हो जाती है। उसके बाद जब आप उसकी मीटिंग कराते हो ना तो उसका जो है अब भी वो जवान हुई होती है, तो इसकी वजह से ना पपीज भी ज़्यादा देती है। और स्टड की सर्विस भी यहाँ पर 2-3 बार अगर आपने मीटिंग कराई होगी स्टड की भी किसी फीमेल में, तो उसका भी रिजल्ट बढ़ना चालू हो जाता है क्योंकि अभी वो जवान है। तो अगर वही स्टड अगर 6-7 साल का हो जाए या 8 साल का हो जाए या 10 साल का हो जाए तो उसका जो स्पर्म काउंट होता है ना गाइस, मतलब कि जो मेल स्टड का, तो वो कम हो जाता है, तो उसी की वजह से ना पपीज नहीं हो पाते हैं गाइस। और फीमेल में भी सेम ही रीज़न काम में आता है, फीमेल की अगर एज ज़्यादा हो जाती है तो उसका जो एक फॉर्मेशन होता है ना जब वो हीट पर आती है, तो जैसे जैसे उसकी एज बढ़ने चालू हो जाती है तो वो एक फॉर्मेशन जो है वो कम हो जाता है, और उसी की वजह से ना गाइस वो पपीज नहीं दे पाती है। कुछ किसी किसी की फीमेल देती है, किसी किसी की नहीं देती है, तो रिजल्ट तो आपके सामने ही है। मेरी ही फीमेल स्टेफनी, अभी उसकी एज जो है 7-8 ईयर्स के आसपास है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है भाई, क्योंकि मैंने बड़ी ही उसे लिया था, मुझे 2 साल की बता कर दिया था भाई ने, लेकिन मैंने जब इंक्वायरी की थी यहाँ वहाँ 2-4 लोगों से, तब मुझे पता चला कि भाई वो 4-5 साल की थी जब मैं लिया था, और मुझे 2 साल की बोल के बेचा था भाई उस बंदे ने। तो भाई अभी इसकी एज जो है अभी 7-8 ईयर्स के आसपास हो गई है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि भाई अभी जो इसका पपी हुआ है कितनी मुश्किल से हुआ है, एक ही पपी हुआ है बस। पिछली बार जो है ये खाली गई थी, उससे पहले इसने पपी दिए थे तब मैंने उसको दवाइयाँ दी थी, तो पिछली बार दवाइयाँ नहीं दी थी तो उसने पपीज नहीं दिए थे, और इस बार जब मैंने फिर से दवाइयाँ चालू की थी मीटिंग के बाद इसकी, तब इसने मुश्किल से सिर्फ एक ही पपी दिया है। तो देख सकते हो गाइस कि ऐसा होता है तो जब ज़्यादा एज हो जाती है। तो यही बताना चाहता था मैं कि अगर आपकी फीमेल की एज जो है अगर वो ज़्यादा हो जाती है तो कम ही चांसेस है कि वो पपीज दे पाए, मतलब कि 50-50 चांसेस पकड़ के चलो। मैं कंफर्म तो नहीं बता सकता, किसी भी मेल का कुछ अलग हो सकता है भाई सीन, किसी भी मेल का कुछ अलग सीन हो सकता है, तो इसी पर डिपेंड है भाई, सारा एग्स फॉर्मेशन पर डिपेंड है। अगर आपका मेल कितना भी अच्छा हो लेकिन आपकी फीमेल का एग्स फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है मीटिंग के टाइम पर, तो वो पपीज कहाँ से देगी भाई। अभी अपने स्टेपनी का शायद कम ही फॉर्मेशन हुआ होगा, उसमें से ही स्टड भी अपना फ्रेश ही था, उसकी अभी दूसरी तीसरी बार मीटिंग कराई थी भाई मैंने और दवाई अभी दी थी, तो उसमें से एक ही पपी हुआ है स्टेपनी को। तो ऐसा होता है गाइस, तो इसी के ऊपर वीडियो था आज का। तो आपको समझ में आया होगा गाइस कि क्या होता है, पपीज होते हैं या नहीं अगर उसकी एज ज़्यादा हो जाए। ये था गाइस आज का वीडियो, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना भाई यहाँ पर, और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए यार कमेंट करते जाओ यार, कितनी बार बोलना पड़ेगा आपको, कमेंट करते जाओ किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। बस कमेंट में बताते हो कि भाई मेरी फीमेल इतनी हो गई है उतनी हो गई है भाई, वैसे कमेंट मत किया करो यार, जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उसी वीडियो के नीचे कमेंट करो मुझे कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, तो उस टॉपिक पर मुझे वीडियो बनाने में आसानी होगी। और आपका भी जो डाउट है ना गाइस, जब मैं टेक्स्ट मैसेज करता हूँ ना गाइस तो बहुत टाइम लग जाता है वो टेक्स्ट मैसेज में, मुझे आपको क्लियर भी नहीं हो पाता है कि क्या बताना है क्या नहीं है, तो उस पर मैं डेडिकेटेड एक वीडियो बना सकता हूँ। तो कमेंट करो और इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और किस किस भाई के पास फीमेल है उसकी जो एज है ज़्यादा हो गई तो ये वीडियो शेयर करो जल्दी से। और चलिए बस इतना ही आज के वीडियो में, मिलते हैं जल्दी एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।